तस्वीरें तो आपको याद ही होगा, जब उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस और अमेठी के रहने वाले आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था। जहां भी आरिफ जाता था उसके पीछे पीछे उसका दोस्त सारस पक्षी भी चल पड़ता था। इन दोनों की अनोखी दोस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सारस और आरिफ की दोस्ती सुर्खियों में थी, लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है। दरअसल आरिफ ने घायल सारस का उपचार कराया तो सारस पक्षी ने आरिफ को अपनाकर देश दुनिया में उसकी लोकप्रियता बढ़ाई थी। दोनों की दोस्ती को देखने के लिए लोग दूर दूर से बड़ी संख्या में प्रतिदिन मंडका गांव पहुंच जाते थे और उस पक्षी के बारे में जानने के लिए लोकल और नेशनल मीडिया भी आरिफ के घर पहुंच जाते थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरिफ व सारस की दोस्ती को देखने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच वन संरक्षक उत्तर प्रदेश की तरफ से आरिफ को फोन आया कि सारस पक्षी को सालोन के समस्तपुर पक्षी विहार में छोड़ा जाएगा, ये सरकार का आदेश है। इस पूरे मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सभा बुलाई जिसमें आरिफ को भी शामिल किया गया। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया।